अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। उम्मीद है आप मज़े में होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआएं काम कर गई हैं। जो मुझे थोड़ा सा फ्लू और गले में दर्द था या टॉन्सिल्स हुए हुए थे, वो बेहतर हो गए हैं अब। और आपके सामने हाजिर हूँ मैं फ्रेश शो लेके, जिसका नाम है सितारों के अहवाल। हमारे साथ होते हैं हमारे जमोलॉजर एस्ट्रोलॉजर अली तबस्सुम साहब जी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सुबहत अल्लाह का करम है, परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्र है एक अच्छी सुबह के साथ। और हमारे व्यूअर्स हॉरोस्कोप और स्टार ऑफ द डे बताएंगे, और बाकी इंशाल्लाह ताला और भी अच्छे स्टार के बारे में प्रेडिक्शन देंगे। आपकी कॉल्स और मैसेजेस लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सके वो दें और आपकी जिंदगियों को बेहतर करें। और हम चलते हैं अपने स्टार ऑफ द डे की तरफ। जी हाँ, थैंक यू। सो बात स्टार ऑफ द डे वर्गो, जिसे मतारुल बुर्ज सुमला कहते हैं। इनका जोड़िक साइन मर्करी, लकी नंबर 5 एंड वेनसडे इनका लकी डे है। वेल, अगर हम इनके जायचे की पोजिशन देखते हैं तो इनका लक हाउस, इनका 9th हाउस, इनका 7th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट 3 to 5 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गोज के लिए। प्लानिंग जो भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की, बिजनेस की, या कोई भी मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्लान कर रहे हैं तो अच्छी टाइमिंग है। पीक पॉइंट पर इनका स्टार होगा 22nd फेब से जून के दरमियान। ये टाइमिंग में जो भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ट्रैवलिंग करना चाहें, तो इनको डेफिनेटली अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो स्टार जिनके साथ इनकी अच्छी बन सकती है, जो इनके अच्छे एडवाइज़र, अच्छे बिजनेस पार्टनर, इवन के अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, अर्थ साइंस से बिलोंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न और टॉरस इनके अच्छे बिजनेस पार्टनर, इनके अच्छे फ्रेंड, अच्छे एडवाइज़र साबित होंगे। येलो कलर की चीज़ों का सदका देना इनके लिए इंतहाई मुबारक रहेगा। स्पेसिफिकली जैसे मैं येलो चीज़ों में बताता रहता हूँ कि कोई भी चने की दाल या चने या कोई कपड़ा, बेसन वगैरह सदका कर सकते हैं कोई भी नीडी पर्सन को। येलो सफायर या फिर गोल्डन टोपास, दोनों में से कोई भी एक स्टोन वेयर करना पॉजिटिव एनर्जी का बायस बनेगा, जिससे ये सही फैसले ले पाएंगे। फिजिकली तौर पे बैड एस्पेक्ट से, नजरें बस से, इवन फोर्सेस से, इवन साइट से सेफ रहेंगे। तो अभी आपने बताया कि ये येलो चीज़ों का करें, या तो ये रिवर्स करता है इफेक्ट। आप अक्सर बताते हैं कि मनुष्यत के असरात कम होते हैं, तो यहाँ ये बता रहे हैं ये सही फैसला आपने बताया कर सकते हैं। तो सदकात के जो है वो क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आपके सितारे पर? हाँ वेल, सबात सदका तो जो भी बैड एस्पेक्ट्स होती हैं कोई नज़रें बद या बंदिश या मैजिक वगैरह या डिजीज़ के हवाले से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और फिजिकली तौर पे आपके ऊपर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं होता बैड एस्पेक्ट्स का या नज़रें बद का। फिजिकली तौर पे स्टोन आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो आपके इंटरनली जो भी कोई नेगेटिविटी होती है या नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं आपके अंदर, तो वो बिल्कुल रिजॉल्व होते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जब आपके अंदर जाती है तो आप सही राइट ट्रैक पर चलते हैं, सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं, आपकी सोचने समझने की सलाहियत में इजाफा होता है, आपकी माइंड पावर में इजाफा होता है। जाहिर है जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ कोई भी काम का आगाज़ करते हैं, कोई भी सफ़र का आगाज़ करते हैं, कोई बिजनेस का आगाज़ करते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव स्पिरिचुअल कुव्वतें आपको उस वक्त सपोर्ट दे रही होती हैं। वेरी सिंपल, जब आपके अंदर नेगेटिविटी होगी तो यकीनन आप माइंड आप कोई काम भी नहीं कर सकेंगे। और आपके नेगेटिविटी में एक ऐसा ऑरा है या पॉजिटिवनेस में भी, कि अगर आपका मूड सही नहीं है तो आप उनकी अगर शक्ल देखेंगे किसी ऐसे इंसान की, आप कहेंगे पूरे दिन ये मुस्कुराता भी नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में आप कहते हैं बस इनसे जल्दी जल्द अज जल्द जो है आप दूर हों, इनके साथ काम ना करें। और पॉजिटिव इंसान होगा चाहे कितनी मुश्किल हो, मुस्कुरा रहे हो, तो एक पॉजिटिवनेस होती है, एक आपकी एनर्जी लेवल जो है वो हाई हो जाती है। इसी के साथ हमारे पास कॉलर है। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बख़ैर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आपका नाम? मेरा नाम फौजिया। फौजिया, इस्लामाबाद में तो बहुत सर्दी होगी है ना? बहुत सर्दी और बहुत मजा भी आ रहा है, हम तो कल एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो मरी जाने का भी प्रोग्राम है। या अल्लाह रहम, इतनी सर्दियाँ बर्दाश्त यहाँ हमें कराची में ना, बस वक्त पड़ गया हमें इतनी सी सर्दी में। आप क्या पूछना चाहेंगे, आप ये बताइए। मैं आपके बारे में पूछना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं ना काफी टाइम से बहुत बीमार रहने लगी हूँ, तकरीबन 2016 में भी बीमार रही हूँ, और मैंने यानी कि मैंने हार्ट से अपने सारे टेस्ट भी करवाए, ECG वगैरह। अच्छा, तो मैं ठीक होती हूँ, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा पेन होता है पूरी यानी कि हार्ट में बहुत ज्यादा, और शाम में हो जाता है कभी कभी, सुबह में इतनी घबराहट बेचैनी थी कि बस अभी बस सांस मेरी जान निकल जानी, और मेरी बॉडी पे एलर्जी भी होने लगी है। तो आपके डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, रिपोर्ट्स क्या? डॉक्टर्स मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर है, मैंने ब्लड टेस्ट करवाए, यूरिन बहुत टेस्ट मुझे लिख के दिए, इवन कि मैंने तो सीटी स्कैन भी करवा ली, मैं तो इतना घबरा गई थी, बहुत मैंने टेस्ट करवाए, एक्सरेज, हार्ट की मैंने ECG करवाई है। मैं कराची भी आई थी अभी शमा परवीन। और आपकी डेट ऑफ बर्थ? 6 जून। 6 जून
1993 ठीक है जी। और बेसिकली आपको घबराहट फील होती है, सिर्फ दिल में मतलब आपको खिंचाव पैदा होता है, आप ये कहना चाह रही हैं क्योंकि आपकी रिपोर्ट सुधर रही है। बिल्कुल दिल में खिंचाव पैदा होता है बिल्कुल, और अब तो एलर्जी भी होने लगी है, ये क्यों? बस इसलिए पूछना चाह रही हूँ, कोई स्टोन वगैरह हो मतलब पूरी कम्प्लीट स्किन एलर्जी या कोई स्पेसिफिक पार्ट है? नहीं, सिर्फ फेस पे होती है और हाथों पे। ठीक है ठीक है। और ये बताइएगा आपको मगरिब के बाद है, मतलब कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स है कि जब आपको ये घबराहट महसूस हो रही है? बिल्कुल, मगरिब से ईशा तक, मगरिब से ईशा तक ये बेचैनी। ईशा के बाद आप बेहतर हो जाती है? जी, फिर मैं बेहतर हो जाती हूं। चलिए जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हम पता करते हैं कि आपके साथ क्या इशू है जायसे को देखकर। जी हाँ, फौजिया आशीष जेमिनी अब 14 से बिलोंग कर रही है, हमारी सिस्टर शी इज़ एयर साइन। वेल यहाँ पे अगर इनका सिक्स हाउस को रीड करते हैं तो नेचुरली तौर पे थोड़ा सा डिसबैलेंस है इनकी प्लेनेटरी पोजीशन। नहुसत के स्टार के असरात प्लस 30-40% बेड आइज प्रॉब्लम, नजरें बंदिश हर्डर्स, थोड़ी सी जो भी रुकावटें आ रही हैं। तो एक तो खास तौर पे एयर साइन को स्टमक प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम और इसके साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम डिजीज़ का इनके साथ ये प्रॉब्लम्स रहता है। लेकिन ये कि बिल्कुल भी आपको डिसाइडेड होने की जरूरत नहीं है फौजिया, माय डियर सिस्टर, आपके साथ जो भी यहाँ पर कुछ डिजीज का आप सामना कर रही हैं, ये सिचुएशन बाहर से पहले पहले इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। वाइट चीज़ों के साथ का बेस्ट रहेगा आपके लिए, ज़्यादा ज़्यादा देना अपने बर्थ स्टोन के साथ, ग्रीन एमरल्ड के साथ अगर आप येलो अकीक पहन लेती हैं तो दोनों स्टोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कुरैश, सूरह यासीन, सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बेस्ट साबित होगा। 2017 आपके लिए खुशियों का पैगाम लेके आ रहा है, ख़ासतौर पर जून से सितंबर अक्टूबर के महीने आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होंगे। इसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फिजिकली तौर पर एक्टिव फील करेंगी, उस वक्त आपका सेवंथ हाउस बहुत अच्छा होगा, 9th एंड 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। जो भी अगर आपका कुछ रूहानी सफ़र का इरादा है, कोई जॉब या बिजनेस का, तो जून से सितंबर अक्टूबर के दरमियान की टाइमिंग आपके लिए इंतहाई मुबारक होगी, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, सफ़र के हवाले से। इंशाल्लाह जी, मैसेज है हमारे पास, ये हाउसवाइफ हैं, जॉब करना चाहती हैं लेकिन कोई ना कोई मसाइल खड़े हो जाते हैं और पूछ रही हैं कि कब तक इनके फाइनेंशियल इशूज़ जो है वो रिजॉल्व होंगे, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कब तक सॉल्व होंगी, तो कोई सोल्यूशन बता दें। इनका नाम है युसरा, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1989 और इनकी वालदा का नाम है इशरत जी। युसरा आशीष वर्गो अतारुद बुर्ज सुमला से बिलोंग कर रही हैं, आज हमने स्टार ऑफ द डे एक्सप्लेन किया है वर्गोस को। वेल पोजीशन बहुत अच्छी है युसरा मेरी बहन, अगर आप इस वक्त कोई भी प्लान कर रही हैं कोई जॉब का, बिजनेस का, तो डेफिनेटली आप बिजनेस कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, सफ़र ट्रैवलिंग कर सकती हैं, या किसी को भी अगर किसी हेल्प लेना चाहती हैं अपने कोई भी बिजनेस के हवाले से या कोई जॉब के हवाले से, तो कुछ अच्छे स्टार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर कैप्रिकॉन एंड टॉरस से एडवाइस लेना या इनको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना आपके लिए अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट 3-5 मंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, अच्छे टाइमिंग पर मैं समझता हूँ कि राइट वक्त पर राइट डिसीजन लेना एक अच्छी दानाई और अकलमंदी की बात होती है। उस वक्त आप फिर बड़ी तेज़ी से वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं जिसकी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस वक्त आपका राइट टाइम है, मैं समझता हूँ कि लक हाउस आपका बहुत अच्छा है इस वक्त, 9th हाउस एंड 11th हाउस, अच्छे दोस्तों से एडवाइस लेना, उनको अपने करीब रखना डेफिनेटली आपके लिए अच्छा साबित होगा। 7th हाउस की पोजीशन भी आपकी अच्छी है, कोई भी अच्छे प्रपोजल या कोई भी मैरिज के हवाले से भी अगर आपकी कोई विश है तो जून जुलाई अगस्त के महीने आपके लिए बड़े टॉप के होंगे। अपने बर्थ स्टोन के साथ छोटा सा रेड रूबी पहनना आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा। येलो टोपास के साथ सुर्ख याकूत दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप वेयर कर सकती हैं, रेड एंड येलो कलर की चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। सूरह नूर, सूरह निसा, सूरह यूसुफ की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक होगा और बायस से बरकत होगा। इन तमाम चीज़ों के अलावा आपको कॉन्सेंट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है इस वक्त में, कि जब आपका वक्त ज़्यादा अच्छा चल रहा है और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कई दफ़ा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी, हमें ऑप्शन बी बज़ाहिर अच्छा लग रहा होता है लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट्स हैं वो शायद आपको नुकसान दे, तो हर चीज़ को देख के आप डिसीजन लें, क्योंकि अगर आपका टाइम अच्छा है तब भी आपको एक तरह से अपनी डिसीजन पावर्स पे काम करना होता है और हर वक्त अलर्ट रहना होता है, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है आपके पास ऐसे लोग आ जाते हैं आपके खैरख्वाह बन के जो बाद में आपके मुश्किल वक्त में आपको छोड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कौन बात कर रही है? मैं हीरा नवाज बात कर रही हूँ। और कहाँ से बात कर रही है हीरा नवाज? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी हीरा, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी मुझे अपनी मदर और अपने फादर के बारे में पूछना है अली भाई से। वो बहुत बीमार रहते हैं ना दोनों। अच्छा, तो तकरीबन 2-3 साल से दोनों एक साथ ही मदर से बीमार रहते हैं। मेरे फादर की तो खैर घुटनों की बहुत ज्यादा तकलीफ उन्हें रहती है और सर में भी बहुत ज्यादा दर्द है,
और मेरी मदर वैसे हर वक्त बीमार ही रहती हैं। तो कोई उनको पर्टिकुलर इशू बस ऐसे तकलीफ? अच्छा नहीं, डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर भी बहुत बीमार रहते, तो इसीलिए मैंने कहा चले आज के शो में कॉल करके अली भाई से पूछ लेती हूँ। ठीक है जी, आप डिटेल्स बता दें दोनों की, अपने फादर की भी और अपनी मदर की। जी फादर जी, मेरे फादर का नाम है नवाज खान। नवाज खान, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ? जी, और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1970। ठीक है जी, ठीक है। और मेरी दादी का नाम है जन्नत बीबी। जन्नत बीबी, ठीक है। और आपकी वालदा का नाम? जी वालदा का नाम है नौरीन नवाज। नौरीन नवाज जी। और मेरी नानी का नाम है बशीरा माई। बशीरा माई, और इनकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी वालदा की। 14 अक्टूबर 1978। बता दीजिएगा। जी जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़। जी नवाज खान ही कैंसेरियन, कमर भुज सरतान से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो थोड़ा सा नेचुरली तौर पे कुछ नहुसत के स्टार के असरात की वजह से थोड़ा सा फिजिकली तौर पे डिजीज़ का शिकार है। इस सिचुएशन से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। वाइट मूनस्टोन, इसके साथ वाइट चीज़ का सदका, सूर्यवल कमर, सूर्यवल नास की तिलावत करना बेस्ट रहेगा। कुछ थोड़ा सा एज फैक्टर भी हो सकता है, कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के असरात के साथ साथ कुछ ऐसा इनके साथ बैड आइज प्रॉब्लम भी चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लास्ट फॉर 1.5 ईयर से इनका सिक्स हाउस डिस्टर्ब है। ये बैड आस्पेक्ट सफ़ेद चीज़ का असर के देने से रिवर्स हो जाएंगे। इनकी मदर नौरीन, शीज लिब्रा, जिसम जोरा बुध मेज़ान कहते हैं। इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर 6 एंड फ्राइडे इनका लकी डे। इनके साथ भी थोड़ा सा कुछ ऐसे हिडन हैंड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिससे फिजिकली तौर पर अनकम्फर्टेबल हैं। इनके लिए ओपल सजेस्ट करूंगा, ओपल के साथ छोटा सा ब्लैक की का वेयर कर लेना इनके लिए इंतहा मुबारक रहेगा। शिशु आल्सो रिसाइट एवरी डे सूर्य बकरा, सूर्य रहमान एंड सूर्य अंबिया की तिलावत करना नौरीन हमारी बहन के लिए बहुत ही मुबारक होगा। कई दफ़ा आप महसूस करते हैं, मेरे साथ भी होता है कि कुछ नहीं, मतलब मेरी कोई ऐसा तबीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन एक बड़ी डलनेस और तबीयत में एक महीनों दो महीनों तक ही मेरे साथ चीज़ चली जाती है। जल्दी थक जाती हूँ, नींद भी जबकि मेरी पूरी होती है, या तो मैं 18-18, 19-19 घंटे सो के भी उठ रही हूँ, ज़्यादा सो रही हूँ या बिल्कुल कम सो रही हूँ या बिल्कुल नॉर्मल भी, लेकिन एक वो एक तबीयत बड़ी ख़राब रहती है। ये किन वजूहात के बिना पर हो सकती है? स्पिरिचुअली तौर पे ज़ाहिर है, जब आप अपने दुनियावी कामों में इतने मगन हो जाते हैं तो आपको उस वक्त फिर रूहानियत की भी ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अपनी बॉडी के लिए अपनी अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें रूह की ग़िज़ा के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसमें स्पेसिफिकली हमें इबादत, कुरान पाक की तिलावत, सदकात, खैरात, जब भी हम ये चीज़ें देते हैं तो फिज़िकली तौर पे हम एक मुतमिन सुकून की कैफियत में चले जाते हैं। तो ज़ाहिर हम अपने आप को आज के दौर में हमने अपने आप को इतना बिजी कर लिया, इतना अपने आप को इतना फास्ट हम चल रहे हैं कि यकीनन रूहानियत से हम दूर हो गए हैं। नमाज, कुरान पाक की तिलावत करना, ये सदका खैरात करना, शायद हमें टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों के, लेकिन यही चीज़ें हमें जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, फिज़िकली तौर पे सुकून देती हैं। और यकीनन ज़िंदगी कुरान पाक में है कि ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो फिर अल्लाह ताला का ज़िक्र करो, बेशक अल्लाह ताला के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है और दिलों को इत्मीनान है। बिल्कुल, और हम ज़्यादातर ये आजकल लाइफ ऐसी है कि अपने आपको हमने कमरों में बंद कर दिया है, ऑफिस जाएंगे तब भी जो है वो रूम्स में आप बंद हैं एसीज़ में, तो सनलाइट आपको नहीं मिल रही है, अल्लाह की नेमतों को भी तो हमने यूटिलाइज़ करना छोड़ दिया है, हवा नहीं लेते ताज़ी, धूप में नहीं बैठ रहे, तो शायद इस वजह से भी जो हमारे आसाब है वो बहुत जल्दी काम करना छोड़ जाते हैं। अभी आपने चीज़ बताई कि वक्त इनका अच्छा है या बुरा है, कई लोगों पर आती है 7.5 साल की, तो आप ये बताएं कि वो क्या क्या स्पेल होता है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जी 7.5 साल तक हमारे साथ तो ये हुआ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपके डिसीजन गलत हो रहे होते हैं, तो आप ये बताएं किन किन फेजेस में ये डिवाइडेड है। सारसती किसी भी इंसान पर ज़िंदगी में लगती है, हर स्टार के ऊपर ही आती है इसका मुश्किल टाइम, और ये लाइफ का किसी भी इंसान का मुश्किल तरीन टाइम होता है सारसती का, और ये ज़िंदगी में एक मरतबा या एक से ज़्यादा मरतबा किसी की भी लाइफ में आ सकती है। उम्र पे है वो, तो कि आप कितनी ज़िंदगी एग्जैक्टली बिल्कुल हाँ, जब सैटर्न प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लक हाउस में या 7th हाउस में या 9th हाउस में, तो डेफिनेटली फिर आपको 60-70 के पीरियड से गुजरना पड़ता है। 2.5-2.5 साल का ये सब टाइमिंग होती है, और इसमें इनिशियल टाइमिंग आपकी बिजनेस को फ्लॉप करने की भी हो सकती है, बिजनेस का लॉस भी बन सकता है उसमें, फिर सेकेंड जो पीरियड होता है वो आपकी मेंटल लाइफ पर इसका असर हो सकता है, उसमें आपके मेंटल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी सेपरेशन
हो सकती है, आपकी दूसरी आपकी प्रपोजल बैक हो सकते हैं, थर्ड में डिजीज का सामना फिजिकली तौर पे हेल्थ प्रॉब्लम आपको, तो ये 7.5 साल फिर बहुत सब्र और शुक्र से गुजारने होते हैं जो कि जिंदगी का एक मुश्किल तरीन टाइम होता है, और उस वक्त आप ज्यादा से ज्यादा सदका देते रहा करें। और यकीनन मैं समझता हूँ कि प्लेनेटरी पोजिशन को सिर्फ जो चेंज करने वाली चीज है वो सदका खैरात है और आपकी नमाज है और कुरान पाक की तिलावत है जो लोग, तो मैं समझता हूँ कि प्लेनेटरी पोजिशन मुश्किल टाइम बिफोर द टाइम भी इसमें आपका हल हो सकता है और आपकी प्रॉब्लम बिफोर द टाइम भी हल हो सकती है। प्लेनेटरी पोजिशन को जो सिर्फ चेंज करने वाली चीज है वो अल्लाह की ज़ात है। जी बेशक, किसी के साथ वक्त हुआ जाता है, एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा, देखते रहे सितारों के अहवाल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सितारों के अहवाल और गुफ्तगू जारी है एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बातें हो रही हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल्स और मैसेजेस भी रिसीव कर रहे हैं और आपको गाइडलाइन देने की भी कोशिश कर रहे हैं। बात हो रही थी 60-70 की, तो मुझे याद है कि मेरा स्पेल जो है मेरे जोड़ी साइन के और बर्थ डेट के हिसाब से वो बचपन में गुजर चुका, तो उन दौरान मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती थी। ये भी आप बात क्लियर कर दें कि वो लोग जो काम नहीं करते, जिनकी कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो किन किन फेजेस का होगा? सिर्फ जो लोग काम नहीं करते जी, जैसे छोटी एज के हैं या प्रोफेशनली कुछ भी नहीं कर रहे, स्टडीज में हैं। देखिए जब 60-70 का टाइम आपके उस वक्त जब आपकी मैरिज आफ्टर मैरिज में ज़्यादा आप को ये फील होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी उस वक्त मेंटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है। सेकंड, जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या आपका बिजनेस का आगाज होता है, या थर्ड जब आप कोई ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, सफ़र, जब आपके उस वक्त आपको इस 60-70 के जो असरात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आपका स्टार्ट पीक पॉइंट पे जा रहा होता है, या आपके कोई रिलेशन बन रहे होते हैं, जब उसमें ब्रेक आ जाता है, या आपके काम यू टर्न ले लेते हैं, या आपका कोई ट्रैवलिंग वो सफ़र नाकाम हो जाता है, बचपन में तो ज़ाहिर है आप एक छोटी उम्र में होते हैं, तो यकीन उस वक्त तो ना तो एक आप कोई बिजनेसमैन होते हैं, ना तो आप मैरिड होते हैं, उस वक्त ज़ाहिर डिजीज या कोई प्रॉब्लम छोटी छोटी, तो उस वक्त तो इतना फील नहीं होता जी, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ में है उनको ये चीज़ ज़्यादा डैमेज करती है, या फिर जो शादीशुदा लोग हैं। करेक्ट, और ये बात है कि जी इर्द गिर्द कितने लोगों को ये अफेक्ट करती है आपके, जैसे अगर किसी पे है तो उनके किन किन लोगों पे ये मुरतब असरात होंगे इसके? जो भी आपका पार्टनर होगा, बिजनेस पार्टनर होगा, जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, और यकीनन जो भी आपके अराउंड अबाउट में जो लोग होंगे वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आपकी टफ लाइफ गुजरी होगी, वो लोग शायद अब उसमें आपकी सिंसियर पर्सनैलिटी का पता लग जाएगा आपको कि वो कौन से लोग थे या वो कौन से लोग हैं जो आपके मुश्किल वक्त में साथ दे रहे हैं, जो आपको आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो 60-70 में ज़्यादातर अच्छे और बुरे दोस्तों की भी पहचान हो जाती है, और कौन मुखलिस था कौन मुखलिस नहीं रहा, तो बहुत सारे लोगों की आपको उस 7.5 साल में ईजीली पहचान हो जाती है। बड़ी मेरी एफर्ट रहती है कि उर्दू अच्छी बोलूँ, असरात मुरतब होते हैं, मैंने मुरतब असरात कर दिया था, उल्टा कर दिया था जी। बहरहाल हमारे पास एक कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अब्दुल मन्नान बात कर रहा हूँ, सखर से। जी अब्दुल मन्नान, सखर में तो उफ, इंटीरियर सन में तो बहुत ज्यादा सर्दी है, क्या हाल है ना सखर के, आप ये बताएं। जी सर्दी भी होती है और गर्मी भी बहुत होती है सखर में, दोनों चीजें होती है, सर्दी में सर्दी भी टूट के होती है और गर्मी में गर्मी भी टूट के होती है। जी क्या पूछना चाहेंगे? मैंने मेरे ना किडनी में प्रॉब्लम रहती है, तो उस सिलसिले में मैंने कोई मुनासिब स्टोन पूछना है अली भाई से। मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, वालदा का नाम जमीला बीबी है, ठीक है, और 8 जनवरी 79 डेट ऑफ बर्थ है मेरी, ठीक है जी। तो जी तो किडनी प्रॉब्लम रहती है, ये डिलाइसिस से बचने के लिए अगर कोई स्टोन हो तो वो रेकमेंड कर दें, अगर मैं पहनूं तो सेट हो जाऊं। चलिए जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, ख्याल रखिएगा अपना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मुझे अभी से ही पता है, मैं गेस करूँ, वो आपने एक बताया था स्टोन जो किडनी पेशेंट्स के लिए होता है और जिसकी शक्ल भी जो है वही, जरा नाम बताइए, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है क्योंकि मेरी कोशिश रहती है जो आप बात बताएं, और मैं इस तरह से इसलिए रिएक्ट करती हूँ
कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चाहे इनसे मिले मुझसे मिले, तो आप व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी पे एस्ट्रोलॉजी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हर चीज़ का इल्म आपको होना चाहिए कि आप कहीं बैठे हैं एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ब्लैंक ना हो, आप किसी को खुद भी बता सकें। क्या ख्याल है आपका? बेशक, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, यकीनन बहुत अच्छा लगता है अल्लाह ताला की निशानियाँ, और बेशक वो लोग जो गौर व फिक्र करते हैं हमारी ये निशानियाँ उनके लिए होती हैं, और यकीनन फबियही अला रब्बिकुम आतुकज़्ज़िबान वल्लूलू वलमरजान फबियही अला रब्बिकुम आतुकज़्ज़िबान में माशाल्लाह अल्लाह ताला की शान है कि स्टोन जिसे हम किडनी स्टोन कहते हैं, दान है फरंग इसको उर्दू में हम कहते हैं, इस पर किडनी बना हुआ होता है, ग्रीन कलर का स्टोन होता है, स्पेसिफिकली जो इसमें किडनी पेशेंट जो होते हैं इसमें उनके लिए बहुत ही ये मुफीद साबित होता है, थ्रू यूरिन उनकी किडनी को रिजॉल्व करने में ये स्टोन हेल्प करता है। फिज़िकली तौर पे इस स्टोन का बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल इसमें कंपाउंड्स होते हैं, कीमियाई अज़ा होते हैं, जो आपको रूहानी एतबार से फ़ायदा देते हैं, जिस्मानी तौर पे आपको फ़ायदा देते हैं। तो वेल अब्दुल मनान माय डियर ब्रदर, यू बिलोंग्स टू अ कैप्रिकॉर्न ज़ोहर बुर्ज, जद्दी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका ज़ोडिक साइन सैटर्न, लकी नंबर आपका 6 एंड सैटरडे योर लकी डे। वेल आपकी प्लैनेटरी पोजीशन यहाँ पे 6th हाउस में थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अलबत्त लक हाउस आपके अच्छे हैं, आपका 9th एंड 10th हाउस बहुत अच्छा है, बिजनेस सफ़र के हवाले से आपको आगे अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, लेकिन जब आप कारोबार कर रहे हो और दौलत पैसा कमा रहे हो और आपकी सेहत अच्छी ना हो, फिज़िकली तौर पर आप डिजीज़ में उतरा हो, तो फिर कोई चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही होती, आपके अराउंड अबाउट में जो भी इसमें खुशियाँ इसमें चल रही हों या कामयाबी आपको मिल रही हो, लेकिन जब फिज़िकली तौर पे आप एक्टिव नहीं होते, अनकम्फर्टेबल इसमें होते हैं, तो डेफिनेटली फिर आप डिस्टर्ब अपनी लाइफ को फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन आपके साथ ये निकल रही है। किडनी स्टोन आपके लिए रेकमेंड करूँगा, इसके साथ छोटा सा अगर आप ब्लैक अकीक भी पहन लेते हैं तो आपके लिए इंतहा मुबारक रहेगा। चारों दालों का सदका देना बेस्ट साबित होगा, सूरह रहमान की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करें, बल्कि सूरह रहमान अगर आप आब जमज़म या सिंपल वाटर पर दम करके भी आप पी लेते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू जी, और हम चलते हैं होरोस्कोप की तरफ। जी एरीज। ओके थैंक यू सबात, एरीज से स्टार्ट लेते हैं। फायर साइन पर्सनैलिटी के मालिक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी इनकी होती है, ज़िंदगी में अच्छी चेंजिंग लेके आना चाहते हैं। वेल यहाँ पर इनके अगर हम हाउस की पोजीशन देखते हैं, स्पेसिफिकली इनका 7th हाउस बहुत अच्छा है, इनका 1st हाउस लक हाउस एंड इनका माशाल्लाह 5th हाउस बहुत अच्छा है, द हाउस ऑफ पर्सनैलिटी, द हाउस ऑफ मैरिज, द हाउस ऑफ लक एंड द हाउस ऑफ चिल्ड्रन, अच्छे हाउसेस हैं। 2017 माशाल्लाह अच्छा रहेगा मार्स के लिए, अगर ये कुछ सफ़र करना चाहते हैं तो वेल 21st फैब से एक अच्छा टर्निंग पॉइंट उनकी ज़िंदगी में आ रहा है सफ़र के हवाले से, उस वक्त फरवरी से फिर जून की टाइमिंग एरीज के लिए अच्छी साबित होगी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। रेड चीज़ों का सदका देते रहें, कॉरल या फिर लेपिस पहनना आपके लिए इंतहाई मुबारक साबित होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सूरह बकरा सूरह आले इमरान की तिलावत करना एरीज के लिए मुफीद साबित होगा। इसके बाद हम टॉरस की तरफ आ जाते हैं, लेकिन टॉरस की तरफ जाने से पहले हमारे पास एक मैसेज है जी, पता नहीं कहाँ से मुझे होता है कि जी कॉल्स ले मैसेजेस ले, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है होरोस्कोप कंप्लीट करें, कोई तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप 12 होरोस्कोप हम कंप्लीट कर सकेंगे। ये हैं जी मोहम्मद बिलाल फ्रॉम मीरपुर खास, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1991 और इनकी बर्थ टाइमिंग है दिन में 12 से 12:15 के दरमियान, और यही उन्होंने मेंशन किया कि मीरपुर खास इनकी बर्थ प्लेस है। इनकी जॉब का काफ़ी ज़्यादा मसला रहता है, अगर जॉब कहीं लग भी जाती है तब भी कोई ना कोई मसाइल आते रहते हैं, तो ये पूछ रहे हैं, और इनकी बॉडी कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो कोई स्टोन बता दें, कोई वजीफ़ा बता दें, और ये भी कहीं इनको प्रॉब्लम्स हैं क्यों। मोहम्मद बिलाल माय डियर ब्रदर, यू बिलोंग्स टू अ वर्गो, अतार बुर्ज सुमला से बिलोंग कर रहे हैं, योर ज़ोडिक साइन मर्करी लकी नंबर 5 एंड वेनसडे योर लकी डे। वेल आपकी अगर हम कंप्लीट जायचे को हम रीड करते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ मून आपके पाइसिस में था, जुपिटर में, तो डेफिनेटली जब उस वक्त सिचुएशन ज़रा 6th हाउस में आपकी डिस्टर्ब रही है, जिसकी वजह से फिज़िकली तौर पे आप लास्ट बार 5 to 6 ईयर से प्रॉब्लम में चल रहे होंगे डिजीज़ के हवाले से, कुछ ऐसी कामयाबी है जिसके लिए आप ग्रास रूट लेवल से मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें बाज़ औक़ात 80 to 90% यू टर्न ले लेती हैं। सिचुएशन आपके साथ यही चल रही है, थोड़ी स्टार की पोजीशन डिसबैलेंस है, यकीनन जो भी जॉब कर रहे होंगे इससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, या मे बी पॉसिबल आपके कुछ एम ऑफ लाइफ डिफरेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपका जो भी मकसद है ज़िंदगी का वो कुछ और है, आप या तो फिर आप ट्रैवल कर लें अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, या फिर सेकेंड ऑप्शन आपके लिए बिजनेस है कोई भी प्रॉपर्टी का या कोई क्रॉकरी
लकड़ी का, वुड का, क्लॉथ का बिजनेस करना बिलाल आपके लिए बेस्ट साबित होगा। 9th एंड 10th हाउस इंडिकेशन दे रहा है कि बिजनेस करना आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा, खासतौर पर मार्च के बाद की टाइमिंग 2017 की आपके लिए अच्छी साबित होगी। वेल वर्गो है, आपके लिए मैं येलो टोपाज सजेस्ट करूंगा, इसके साथ छोटा सा कोरल मरजान पहनना आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ का, रेड चीज़ का सदका देना बेस्ट साबित होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सूरह रहमान, सूरह मोमिनून एंड सूरह मुजम्मिल की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक होगा और बाइस से बरकत होगा। तो आपने इनको कोरल भी बताई है, तो येलो और रेड का वैसे यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है, ये आपने बता दिया, तो इन्हें ये कोरल जो है वो किस चीज़ में सपोर्ट करेगा स्पेसिफिकली डिजीज के हवाले से, क्योंकि इनका 6th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कुछ ऐसे नहुसत के स्टार के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते चले आ रहे हैं इनके साथ, जब 5 to 6 या 7 ईयर्स का ड्यूरेशन हो जाए तो उस वक्त कोरल का पहनना, कोरल का पीना, इवन कि अगर आप इसमें 7 coral 3 to 4 carat के अगर आप एक ही डोरी में वेट कर लेते हैं तो बहुत ही मुबारक साबित होता होता है, खास तौर पर उस वक्त जब आपको फील हो कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई काला जादू, गंदे असरात या कोई नजरेबंद या बंदिश आदि, इवन कि 60-70 चल रही हो उस वक्त भी ये कोरल आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। रूहानी बहुत ही मुकद्दस स्टोन है और अल्लाह ताला ने इसे समंदर की गहराई में पैदा किया है। अगर इसे बल्कि ये लीवर वो जो लीवर पेशेंट के लिए बहुत ही मुफीद साबित है, जिनको कोई स्किन प्रॉब्लम होता है, कोई खून की खराबी का प्रॉब्लम होता है, या इसमें फिजिकली तौर पे जल्दी अमराज जिनके साथ इसमें रहते हैं, तो अगर कोरल अगर वो पानी में डाल के पीते हैं तो उनके लिए इंतहाई ब्लड प्योरीफाई करता है। डेफिनेटली श्योर, डेफिनेटली जी। इसी के साथ हमारे पास एक कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कॉलर कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शबाना बात कर रही हूँ, उमर खान से। कहाँ से? रहीम यार खान जी। रहीम यार खान, गालिबन आपका भी गला खराब है सर्दी की वजह से, थोड़ा सा ऊंचा बोलने की कोशिश कीजिए। हाँ वो गला बस ठंड इतनी पड़ गई है ना इधर रहीम यार खान में, इस वजह से। जी जी जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसकी काफी अरसे से ना मतलब शादी का नहीं हो रहा, पहले भी रिश्ता हुआ था मामू के घर ना मेरे, वो टूट गया वहाँ से। अच्छा अच्छा, तो अब जी इधर उधर मतलब शादी नहीं हो रही उसकी ना, मेरी उसकी हो रही है, कहीं भी रिश्ता कर रहे हैं तो आते हैं देख के चले जाते हैं, मंगनी तक बात आ जाती है फिर कोई जवाब ही नहीं देते, जबकि हम अपनों में देते हैं लेकिन नहीं हो रहा था, इसलिए बगैरों में भी बात कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा। ठीक है, अपनी बहन का नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी बहन की डेट ऑफ बर्थ बता दे। मेरी बहन का नाम रिहाना। रिहाना ठीक है जी, और वालदा का नाम नजीरा। वालदा का नाम क्या है? नजीरा। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी बहन की। 17 तारीख और 8वां महीना और 93 की जी, साल 93। ठीक है जी, आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं नहीं, बस बहन के बारे में बता दे मेरा, बस मैंने सेहत का कुछ होता है मसला अगर हो सके तो उसका भी बता दीजिए। तो आप अपना भी नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरा नाम शबाना है जी। शबाना जी ठीक है, वालदा का नाम तो वही नजीरा जी जी, और मेरी है 28 है 7वां महीना और मेरी है 98 की पैदाइश है। अच्छा 98 की जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रिहाना आशीज लियो शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर, इनका जॉडिक साइन सन लकी नंबर 1 एंड सन इनका लकी डे है, 2nd हाउस इनका अच्छा है, 3rd हाउस अच्छा है, अनफॉर्चुनेटली 7th हाउस थोड़ा वीक है। 2017 का 3rd क्वार्टर इनके लिए अच्छा बन रहा है, प्रपोजल का आना बैक होना नेचुरली तौर पर कुछ प्लैनेटरी पोजिशन का डिसबैलेंस होने की वजह से, 20-30% कुछ बैड आइज प्रॉब्लम नेचुरली तौर पर जब प्लैनेटरी पोजिशन आपकी डिसबैलेंस हो तो फिर कुछ वो भी 7वें घर में तो फिर प्रपोजल आते हैं बात नहीं बनती, बैक हो जाते हैं जिससे आप थोड़ा सा माइंडली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। वेट करना होगा रिहाना मेरी बहन, इंशाल्लाह जून जुलाई अगस्त के महीने आपके लिए इंतहाई मुबारक होंगे। आउट ऑफ फैमिली में आपकी मैं मैरिज देख रहा हूँ, वो स्टार जो आपकी ज़िंदगी के अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, बिकॉज यू बिलोंग्स टू अ फायर साइन एरीज सेक्टेरियस, आपके अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे, इनसे आप एडवाइस ले सकती हैं, इनको अपना बिजनेस पार्टनर बना सकती हैं, ये आपके अच्छे लाइफ पार्टनर जिंदगी के साथी साबित होंगे। रेड रूबी आपके लिए सजेस्ट करूंगा, आपका ये बर्थ स्टोन है, सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका देना इंतहाई मुबारक साबित होगा। कंटिन्यूसली सूरह कौसर, सूरह यासीन एंड सूरह यूसुफ की तिलावत करना रिहाना मेरी बहन आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा और बाइस से बरकत होगा। शबाना हमारी बहन 28 जुलाई, वेल यू आर यू आल्सो बिलोंग्स टू अ ल्यू
24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं वो लियोज़ कहलाते हैं। वेल डजीज हाउस का आपको अगर हम रीड करते हैं, द हाउस ऑफ डजीज जिसे सिक्स हाउस कहते हैं, आपका भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा कुछ इंसानी हाथ की तरफ से बैड आइज प्रॉब्लम है। नेचुरली तौर पर आपकी प्लैनेटरी पोजिशन अच्छी है, आप ज़्यादा ज़्यादा आप भी रेड चीज़ों का सदका दे सकती हैं। रेड अकीक पहनना आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा। बहुत ज़्यादा सूरह रहमान सूरह मुजम्मिल की तिलावत करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। जब आप ये कहते हैं बैड आई प्रॉब्लम, तो इसका मतलब कि कोई इन पे मतलब जादू या कोई ऐसे असरात, या फिर देख के जैसे किसी को रश करते हैं आपके कोई अच्छा लग रहा हो, तो हमारे यहाँ ये आजकल रिवाज नहीं रहा है ना माशाल्लाह कहने का, ये नज़र लगना, तो ये नज़र का मतलब होता है कई दफ़ा आपकी ये कहने का बैड आई प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। और जब हो सकता है किसी पे जादू हो, कोई लोग किसी का पसंद भी तो नहीं करते हैं खुश रहना या अच्छा होना भी, कहते हैं है बड़ा नाज है इसको अपने अच्छे खूबसूरत होने पर, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। एग्जैक्टली वो हिडन हैंड कहलाते हैं, छुपे हुए हाथ। वेल वो भी आपके अराउंड अबाउट ही सब बात, आपके फैमिली मेम्बर आपके रिलेटिव वो लोग आपसे जो जल रहे होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, आपके हुसन से, या आपकी अच्छी परफॉर्मेंस से। तो यकीनन कुछ लोग होते हैं ऐसे यकीनन, क्योंकि वो सलाहियत उनके अंदर नहीं होती ना सबाहत, तो यकीनन जिनके अंदर सलाहियत नहीं होती तो वो फिर जलते ही हैं, लेकिन वो अपने आप को खुद से जला रहे होते हैं, अपने आप को अपने अंदर से खुद वो एक टर्माइट दीमक की तरह अपने आप को खोखला कर रहे होते हैं, अपनी सलाहियतों को जंग लगा रहे होते हैं। हसद नहीं करना चाहिए, रश करना चाहिए कि अल्लाह ताला उस मेरे कज़न के अंदर या मेरे उस फ्रेंड के अंदर जो सलाहियत है, जो एबिलिटी है, जो जहानत है, वो अल्लाह ताला मुझे भी नवाज। तो यकीनन हसद इंसान को दीमक की तरह चाड़ जाती है। जैसे हमारा भी यहाँ जो सारा काम करते हैं बैक स्टेज बैक कैमरा, वो सब रश करते हैं कि अली तबस्सुम साहब जैसे हो जाए। हम कहते हैं इनका हुसन इनसे नहीं संभाला जाता, तभी हम हंस रहे थे। हमारी बड़ी एक पंच लाइन रहती है जब कैमरा रोल होने से पहले कि इनका हुसन इनसे नहीं संभाला जाता, अली भाई कहते हैं इनका हुसन इनसे संभल जाए। हम चलते होरोस्कोप की तरफ और वक्त खत्म हुआ जाता है, तो जल्दी जल्दी आज आप बताएं जहाँ तक हो सकता है जी कम्प्लीट करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल बिफोर द शो हमें हंसी मजाक करके अपने आप को थोड़ा सा अपने व्यूवर्स के लिए, अपने चाहने वालों के लिए अपने आप को एनर्जेटिक रखना पड़ता है। और मेरे ख्याल से जब आप में एनर्जी होती है, आप एनर्जेटिक होते हैं, तभी आप अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम में एनर्जी नहीं है तो फिर हम क्या व्यूअर्स को भी जो है वो खुश करेंगे या उनको क्या हम रिजल्ट दे सकेंगे? कुछ भी नहीं हो सकेगा। होरोस्कोप बस जल्दी अली तबस्सुम साहब, आपकी आज एनर्जी ने माशाल्लाह आपकी एनर्जी का जवाब नहीं है। अल्लाह ताला आप कैसे हमेशा एनर्जेटिक रखें। वेल टॉरस को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जोरा जिसे हम बुर्ज सौर कहते हैं, इनका जोडिक साइन वीनस, लकी नंबर इनका सिक्स एंड फ्राइडे इनका लकी डे। वेल इनकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, लाइफ हाउस द हाउस ऑफ लाइफ जिसे हम आठवां घर कहते हैं, थर्ड हाउस एंड सेकेंड हाउस अच्छे हाउसेस हैं तालीम के हवाले से। आगे माशाल्लाह इनको आगे कुछ कामयाबी मिल रही है, इनकी लाइफ में अच्छी चेंजिंग आ रही है, कोई बड़ी तब्दीली देख रहा हूँ। जिनकी प्लानिंग कर रहे थे अपनी लाइफ को पुरसकून या खुशियों भरी बनाने की, तो अच्छे लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पर जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न से इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ग्रीन एमरल्ड या फिर ओनेक्स पहनना इनके लिए इंतहाई मुबारक होगा। ग्रीन चीज़ों का ज़्यादा ज़्यादा सदका देते रहें, इससे इंशाल्लाह फिज़िकली तौर पर और ज़्यादा ये एक्टिव रहेंगे। जमनाई के बाद हम कैंसेरियन की तरफ आते हैं जिसे हम कमर भुज सरतान कहते हैं। वेल इनके साइन की सेवन्थ हाउस बहुत अच्छा है एंड नाइन्थ हाउस, दो हाउसेस इस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सातवां घर ज़ाहिर है जब अच्छा होता है तो माशाल्लाह बहुत दिल खुश होता है। सातवें घर के साथ नवा घर हाउस ऑफ बिजनेस, दो हाउसेस कैंसेरियन को 2017 पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे रही हैं। मैरिज कामयाब रहेगी, चाहत रोमांस माशाल्लाह इसमें ये बिल्कुल कामयाब रहेंगे। कोई भी बिजनेस करना इनके लिए अच्छा साबित होगा, खासतौर पर फूड आइटम में, रेस्टोरेंट का, प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का। मूनस्टोन वेयर कर सकते हैं, वाइट चीज़ों का सदका दे सकते हैं। सूरह वशम सूरह रहमान की तिलावत करना कैंसेरियन के लिए इंतहाई मुबारक होगा। थैंक यू सो मच जी, माजरत अभी भी आज भी हम कंप्लीट नहीं कर सके आपका होरोस्कोप, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश हमारी जारी रहेगी, एक दिन जरूर आएगा ऐसा कि कंप्लीट हो। इजाजत दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।